पश्चिम बंगाल शिक्षा भर्ती घोटाला केस में ईडी की जांच का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। ममता सरकार में मंत्री पार्थ चैटर्जी पर शिकंजा कसने के बाद अब ईडी ने पार्थ चैटर्जी के करीबियों के घर खंगालने शुरू कर दिए हैं। ईडी की छापेमारी में पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर खजाना मिला है। ईडी की छापेमारी में अर्पिता के फ्लैट से करीब 30 करोड़ नकद और 5 किलो से ज्यादा सोना मिला है। आपको याद दिला दें, बीती 22 जुलाई को भी ईडी की रेड में अर्पिता के दूसरे फ्लैट से 21 करोड़ कैश, 79 लाख का गोल्ड और 54 लाख की फॉरेन करेंसी मिली थी। इसके अलावा ईडी के हाथ दोनों के नाम कई संयुक्त प्रॉपर्टीज के दस्तावेज भी लगे थे। कुल मिलाकर कहा जाए तो ईडी को अर्पिता के ठिकानों से 50 करोड़ से ज्यादा कैश और करोड़ों की कीमत का गोल्ड मिल चुका है। इसी सिलसिले में ईडी ने पार्थ के एक और करीबी मानिक भट्टाचार्य के घर पर भी रेड मारी थी। बता दें कि पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी 3 अगस्त तक ईडी की हिरासत में हैं। ईडी की पूछताछ में अर्पिता ने ये बात कबूली थी कि उनके फ्लैट से मिला कैश पार्थ चैटर्जी का है और इस कैश को कई कंपनियों में इन्वेस्ट करने का प्लान था। अब आपको बताते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल ममता सरकार में 2016 से 2021 के दौरान पार्थ चैटर्जी शिक्षा मंत्री थे। उनके शिक्षा मंत्री रहने के दौरान पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग और प्राथमिक शिक्षा बोर्ड की भर्तियों में कथित अनियमितताएं हुई। आयोग की सिफारिश पर कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दे दिया। सीबीआई ने ग्रुप सी और डी भर्तियों में हुई अनियमितता की जांच शुरू की तो वहीं ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की तफ्तीश शुरू कर दी। ईडी ने जांच का दायरा बढ़ाया तो घोटाले की परतें खुलने लगी। इसी सिलसिले में ईडी ने बीते 25 अप्रैल और 18 मई को पार्थ चैटर्जी से पूछताछ की। ईडी को इस कथित भर्ती घोटाले में कई अहम सुराग भी हाथ लगे, जिसके तहत ईडी ने अर्पिता मुखर्जी, मनिक भट्टाचार्य समेत दर्जन भर लोगों पर शिकंजा कसना शुरू किया। इसी सिलसिले में ईडी ने बीती 22 जुलाई को पार्थ और अर्पिता के घर पर छापा मारा। छापेमारी में ईडी ने भर्ती से जुड़े दस्तावेज और भारी भरकम रकम बरामद की। रेड के बाद ईडी ने पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को अरेस्ट कर लिया और कोर्ट के सामने पेश किया। कोर्ट ने दोनों को 3 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी के बाद पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर हमले तेज कर दिए हैं और उनसे इस्तीफे की मांग कर डाली है। तो वहीं टीएमसी ने ईडी की छापेमारी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी साजिश के तहत अपने राजनीतिक विरोधियों को खत्म करना चाहती है, इसलिए केंद्र जांच एजेंसियों ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष।